सहारा न्यूज के साथ मैं हूं इमान फातिमा। जी नाज़रीन, अभी आपको ले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर हमारे खसूसी नुमाइंदे इबाद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की। एक शख्स ने तेल छिड़क कर खुद को आग लगाने की कोशिश की। पुलिस सहलकारों ने खुद को आग लगाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुदकुशी की कोशिश करने वाले शख्स को थाना सेक्रेटरियट मुंतकिल कर दिया गया। वहीद नामी शख्स एनएचए का मुलाजिम है। एम्प्लॉयज एक्ट 2010 को कलदम करार देने पर वहीद ने खुदकुशी की कोशिश की। वहीद ने महकमे की जानिब से नौकरी से निकाले जाने पर खुद को आग लगाने की कोशिश की। वहीद से माचिस, पेट्रोल की बोतल और मोटरसाइकिल कब्जे में ले लिया गया। वहीद के हमराज की दो बेटियां भी थीं।